वेलकम टू सक्सीड एग्जाम। आज हम बात करने वाले हैं भारत के कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट अभ्यारण्य एवं राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। टॉप 50 क्वेश्चन है, उन सभी की हम बात करेंगे, तो वीडियो को ध्यान से देखना। एवं वीडियो के लास्ट में आपको एक चैलेंज क्वेश्चन भी है, जिसका राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। तो बढ़ते अब हमारे क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन है कि टाइगर प्रोजेक्ट किस वर्ष से शुरू हुआ था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 1973। टाइगर प्रोजेक्ट है वो 1973 से शुरू हुआ था, ये आपको मालूम होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। तो इसका राइट आंसर होगा जिम कार्बेट, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है वो जिम कार्बेट है। अब जिम कार्बेट की बात करें तो जिम कार्बेट की स्थापना कब हुई थी, 1936 को। इसकी स्थापना हुई थी 1936 को। अब जिम कार्बेट से एक संबंधित क्वेश्चन और पूछा जाता है कि जिम कार्बेट का पुराना नाम क्या है। तो इसका पुराना नाम है हेली नेशनल पार्क। इसका पुराना नाम क्या है, हेली नेशनल पार्क, ये भी आप याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिम कार्बेट अभ्यारण्य से कौन सी नदी बहती है। तो इसका राइट आंसर होगा रामगंगा। रामगंगा नदी है जो जिम कार्बेट अभ्यारण्य से बहती है, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। जिम कार्बेट से संबंधित मैंने अभी आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बताए थे कि इसकी स्थापना 1936 को हुई थी और इसका पुराना नाम है वो हेली नेशनल पार्क है, आप ये याद रखना जिम कार्बेट के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। भारत में सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, मध्य प्रदेश, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अब मध्य प्रदेश में कितने राष्ट्रीय अभ्यारण्य स्थित है, तो इसका राइट आंसर होगा 9। अभी वर्तमान में 9 राष्ट्रीय अभ्यारण्य है मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब हम हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध यूरोपीय प्रजाति मृग किस अभ्यारण्य से पाया जाता है। जो मृग हंगुल है वो किस अभ्यारण्य से पाया जाता है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, दाचीग्राम। दाचीग्राम से पाया जाता है, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं कि भारत में वन अनुसंधान संस्थान की स्थापना कब हुई थी। भारत में वन अनुसंधान संस्थान की स्थापना हुई थी 1906 में, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। 1906 के अंदर वन अनुसंधान संस्थान की स्थापना की गई थी। अब ये की कहाँ गई थी, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। ये देहरादून के अंदर की गई थी, ये देहरादून के अंदर इसकी स्थापना की गई थी 1906 के अंदर, ये आप याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोलिंग नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है। तो इसका राइट आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। किस राष्ट्रीय उद्यान में साइबेरियन सरसों का आगमन होता है। जो राष्ट्रीय उद्यान है उसमें साइबेरियन सरसों का आगमन होता है, वो कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा केवलादेव। अब ये केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है जिसमें क्या है, साइबेरियन सरसों का आगमन होता है। अब ये है कहाँ पर, ये राजस्थान के भरतपुर जिले में। तो ये कहाँ पर है, राजस्थान के भरतपुर जिले में, डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुंडी नेशनल पार्क कहाँ स्थित है। जो गुंडी नेशनल पार्क है वो कहाँ पर स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा तमिलनाडु। तमिलनाडु के अंदर गुंडी नेशनल पार्क है वो स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं कि सुल्तानपुर एवं कालेश्वर वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है। तो सुल्तानपुर और कालेश्वर वन्य जीव अभ्यारण्य है वो हरियाणा के अंदर स्थित है, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि न्योरा वैली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। जो न्योरा वैली राष्ट्रीय उद्यान है वो कहाँ पर स्थित है। तो इसका राइट आंसर होगा पश्चिम बंगाल, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। जो न्योरा वैली राष्ट्रीय उद्यान है वो पश्चिम बंगाल में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं कि निम्न में से जंगली गधे कहाँ पर पाए जाते हैं। निम्न में से जंगली गधे कहाँ पर पाए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा कच्छकारण। कच्छकारण गुजरात के अंदर ही पाए जाते हैं, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। ये जितने भी जो क्वेश्चन हैं ये एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं, जो आगे वाली एग्जाम के लिए भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, तो आप इनको ध्यान से देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। राजाजी बाग अभ्यारण्य कहाँ स्थित है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, उत्तराखंड। उत्तराखंड में, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। राजाजी बाग अभ्यारण्य वो उत्तराखंड में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। निम्न में से किसे टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। तो निम्न में से किसे टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, वो होगा कैलाश सांगला। कैलाश सांगला को टाइगर मैन ऑफ द इंडिया कहा जाता है, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा बाघ रिजर्व कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा बाघ रिजर्व कौन सा है? तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? पेंच। पेंच इसका डी ऑप्शन है, वो राइट आंसर होगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से जो छोटा बाघ रिजर्व है वो पेंच है। अब ये पेंच स्थित कहाँ पर है? तो इसका भी हमें मालूम होना चाहिए, ये महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में स्थित है। जो ये महाराष्ट्र है और मध्य प्रदेश की सीमा पर स्थित है, ये याद रखना आप, ये दो राज्यों में स्थित है। पेंच है वो महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की सीमा पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित बाघ रिजर्व कौन सा है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, नामदफा, अरुणाचल प्रदेश में। ये नामदफा है जो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, रेड डाटा बुक में संकलन होता है। तो रेड डाटा बुक में किसका संकलन होता है? संकटग्रस्त पशु एवं पक्षियों का होता है, संकटग्रस्त पेड़ पौधों का होता है, संकटग्रस्त जीव जंतु का होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ये तीनों के तीनों इसके राइट आंसर हैं। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व के सबसे बड़े कछुआ का प्रजनन स्थल कौन सा है? तो सब विश्व के सबसे बड़े कछुआ का प्रजनन स्थल कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा भितरकनिका नेशनल पार्क। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। भितरकनिका नेशनल पार्क विश्व का सबसे बड़ा कछुए का प्रजनन स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में सर्वाधिक वन्य जीव अभ्यारण कहाँ पर पाए जाते हैं? तो भारत में सर्वाधिक वन्य जीव अभ्यारण कहाँ पर पाए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? अंडमान निकोबार। इसमें नो पाए जाते हैं, 94 गलत है, यहाँ पे नो है यहाँ पे भी। लेकिन आपके कन्फ्यूजन हो गया होगा कि मध्य प्रदेश में भी सबसे अधिक है, लेकिन वो राज्य था। उस क्वेश्चन में ये लिखा गया था कि भारत में सर्वाधिक वन्य जीव अभ्यारण किस राज्य में पाए जाते हैं। अगर क्वेश्चन ऐसे हो तो उसका राइट आंसर होता है मध्य प्रदेश। लेकिन ये है कि भारत में सर्वाधिक वन्य जीव अभ्यारण कहाँ पर पाए जाते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा अंडमान निकोबार। ये आप याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं कि किस भारतीय पक्षी विज्ञान को बर्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सलीम अली। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। सलीम अली को भारतीय पक्षी विज्ञान का बर्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सलीम अली जो राष्ट्रीय उद्यान है वो श्रीनगर में स्थित है। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा हिमिस। हिमिस है जो भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, जो जम्मू कश्मीर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा नागार्जुन सागर, जो आंध्र प्रदेश में स्थित है। नागार्जुन सागर जो भारत का सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य है। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? तो कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य वो कहाँ पर स्थित है? बिहार में स्थित है। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य बिहार में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, पलामू अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? तो पलामू अभ्यारण्य वो कहाँ पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा झारखंड। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। ये जितने भी क्वेश्चन हैं वो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो इनको ध्यान से देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, हजारीबाग वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा झारखंड। हजारीबाग जो वन्य जीव अभ्यारण्य है वो झारखंड में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो वो सबको मालूम है, गुजरात में स्थित है। गिर राष्ट्रीय उद्यान है वो गुजरात में स्थित है। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नल सरोवर अभ्यारण कहाँ पर स्थित है? तो नल सरोवर अभ्यारण कहाँ पर स्थित है? वो भी गुजरात में स्थित है। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान वो कहाँ पर स्थित है? वो उत्तराखंड में स्थित है। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, चंद्रप्रभा अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? तो चंद्रप्रभा अभ्यारण्य वो कहाँ पर स्थित है? उत्तर प्रदेश में। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। चंद्रप्रभा अभ्यारण्य वो उत्तर प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि पाखाल वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है, तो पाखाल वन्य जीव अभ्यारण्य वो कहाँ पर स्थित है, तेलंगाना में। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम, कावला वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है, तो कावला वन्य जीव अभ्यारण्य वो तेलंगाना में स्थित है। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, कावला वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है, तेलंगाना में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अब, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है, तो मानस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है, तो इसका राइट आंसर होगा असम में। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अब, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है, तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान वो कहाँ पर स्थित है, असम में स्थित है। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, घना पक्षी विहार कहाँ पर स्थित है, तो घना पक्षी विहार वो कहाँ पर स्थित है, राजस्थान में। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, घना पक्षी विहार है वो राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है, तो सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान है वो कहाँ पर स्थित है, पश्चिम बंगाल में। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान वो पश्चिम बंगाल में स्थित है। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, रोहिल्ला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है, तो रोहिल्ला जो राष्ट्रीय उद्यान है वो कहाँ पर स्थित है, वो हिमाचल प्रदेश में स्थित है, हिमाचल प्रदेश में स्थित है। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, सुल्तानपुर झील अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है, तो सुल्तानपुर झील अभ्यारण्य वो कहाँ पर स्थित है, तो इसका राइट आंसर होगा हरियाणा में। सुल्तानपुर झील है वो हरियाणा में स्थित है। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है, तो किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान है वो कहाँ पर स्थित है, जम्मू कश्मीर में। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, पंचमढ़ी अभ्यारण कहाँ पर स्थित है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, पंचमढ़ी राष्ट्रीय उद्यान है वो मध्य प्रदेश में स्थित है। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है, तो कान्हा किसली जो राष्ट्रीय उद्यान है वो कहाँ पर स्थित है, मध्य प्रदेश में। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, रणथंभौर अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है, तो रणथंभौर अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है, राजस्थान में। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, रणथंभौर अभ्यारण्य वो राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, पेरियार अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, पेरियार जो अभ्यारण्य है वो केरल में स्थित है। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इंदिरा गांधी अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा तमिलनाडु। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चिल्का अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है, तो जो चिल्का अभ्यारण्य है वो कहाँ पर स्थित है, तो इसका राइट आंसर होगा उड़ीसा के अंदर। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, चिल्का अभ्यारण्य वो उड़ीसा के अंदर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, पेंच राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है, तो पेंच राष्ट्रीय उद्यान वो कहाँ पर स्थित है, महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, महाराष्ट्र में। लेकिन मैंने आपको पहले बताया था कि ये महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश दोनों में स्थित है। दोनों में किस प्रकार स्थित है, दोनों की सीमा पर ये बना हुआ है पेंच राष्ट्रीय उद्यान, जिसके कारण ये महाराष्ट्र में भी आता है और मध्य प्रदेश में भी आता है। ये आप याद रखना कि जो पेंच राष्ट्रीय उद्यान है वो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में दोनों में आता है। अगर महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश दे दिया जाए और नीचे ऑप्शन सी में दे दे उपयुक्त दोनों, तो उसका राइट आंसर क्या होगा, सी ऑप्शन वो इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अबोहर अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है, तो अबोहर अभ्यारण्य वो कहाँ पर स्थित है, पंजाब में स्थित है। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, सोमेश्वर अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है, तो सोमेश्वर अभ्यारण्य वो कहाँ पर स्थित है, इसका राइट आंसर होगा कर्नाटक। सोमेश्वर अभ्यारण्य वो कर्नाटक में स्थित है। सॉरी, यहाँ पर दो ऑप्शन है, कर्नाटक और केरल, ये केरल नहीं है, यहाँ पर कर्नाटक। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुखई वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है, पुखई वन्य जीव अभ्यारण्य वो कहाँ पर स्थित है, तो इसका राइट आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, पुखई वन्य जीव अभ्यारण्य वो अरुणाचल प्रदेश के अंदर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है, जो दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान है वो कहाँ पर स्थित है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, जम्मू कश्मीर में। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें,
डाम्फा अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा, जो डाम्फा अभ्यारण्य है वो मिजोरम में स्थित है। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अब आप इस बिहारन को देख रहे होंगे, ये बिहारन नहीं है, ये यहाँ पर अभ्यारण है। क्या है यहाँ पर? अभ्यारण है। जो डाम्फा अभ्यारण है वो मिजोरम में स्थित है, आप इसको याद रखना, इसको मत याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं कि तनसा अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा, जो तनसा अभ्यारण्य है वो महाराष्ट्र में स्थित है। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। तनसा अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अब हम, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुंभलगढ़ अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? तो कुंभलगढ़ अभ्यारण्य है वो कहाँ पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा राजस्थान। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, कुंभलगढ़ अभ्यारण्य है वो राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, दूधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा, उत्तर प्रदेश। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, जो दूधवा राष्ट्रीय उद्यान है वो उत्तर प्रदेश में स्थित है। ये हमारे टॉप 54 क्वेश्चंस थे जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं। तो वीडियो को अगर आपने ध्यान से देखा है तो शायद आपका अभ्यारण्य से संबंधित टॉपिक है वो क्लियर हो चुका होगा। अब बढ़ते हैं अब हमारे चैलेंज क्वेश्चन की तरफ, उसका आपको राइट आंसर बताना है कमेंट बॉक्स में। हमारा क्वेश्चन है कि भितरकनिका नेशनल पार्क है वो कहाँ पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। चार ऑप्शन है, उनमें से जो राइट आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है कि भितरकनिका नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है।